अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ASJ न्यूज़। निज़ामबाद से हैदराबाद बस डिपो वाक़े इमलीबन पहुंचते हुए एक बस ड्राइवर की लापरवाही से इब्तदाई इत्तला के मुताबिक 3 साल लड़के की मौत वाक़े हो गई। उसके अफराद ख़ानदान ने, जो 9 नंबर रोड किशनबाग का रहने वाला ये ख़ानदान है, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ड्राइवर की लापरवाही से ये वाकया पेश आया है। आ रहे थे लगा पूरा यहाँ के स्टॉप था, उनका रोकने स्टॉप यहाँ था भी नहीं लगा, आगे स्टॉप है लगा निजामबाद का, तो क्या करे इधर रोक दे, रोकते था बैग होगा पूरे टोटली पूरा भैर निकाल दिया। खाली बच्चा ऐसा फुटबॉल में ऐसा था जड़ बल के ऐसा हल्लू खींचते था, गाड़ी जो सामने के डर में से चढ़ी पूरा पीछे का डर था, पूरा भेजे पूरा लग लेते यार बच्चे का। वो आप कौन है भाई? बच्चे के? मैं बच्चे का वाली साहब हूँ। तो गाड़ी को रोके फिर आओ, गाड़ी वहाँ है, पुलिस ड्राइवर कहाँ है भाई, भाग गया है? ड्राइवर है, पुलिस वाले पकड़े बुलेट जी। बार बार RTC ड्राइवर्स की लापरवाही, तो कहीं जो बड़े जो हैवी व्हीकल्स है उनकी जो लापरवाही से, ख़ासतौर से पुराने शहर में पिछले दिनों से एक वाक़या फलकनुमा ब्रिज के पास पेश आया, जहाँ एक खातून की मौत वाक़ई हो गई थी। और 2-3 खबर यहाँ मेलार्दोपल्ली PS लिमिट्स के अंदर एक वाक़या पेश आया था, जहाँ पर ड्राइवर की लापरवाही से एक नौजवान की मौत वाक़ई हो गई थी। आज एक नए और ताज़ा वाक़े में प्रॉपर हैदराबाद के हैं? कहाँ है आपका मकान? किशनबाग। ये जो RTC है उसके बस ड्राइवर की लापरवाही इब्तदाई तौर पर बताई जा रही है। बहरहाल इस दिलखराश वाक़े की तमाम तफसीलात का इंतज़ार है, लेकिन बड़ा दिलखराश वाक़या हम ऐसे विजुअल्स है कि आपको हम बता भी नहीं सकते। बहरहाल आप अपने तौर पर अपने जब सफ़र के दौरान अपनी हिफाजत कीजिए, ड्राइवरों पे भरोसा मत कीजिए, और ख़ास तौर पे जब अपनी कार के ज़रिए भी आप अगर सफ़र करते हैं या मोटरसाइकिल के ज़रिए सफ़र करते हैं, तो आप हिफाजत ख़ुद इख्तियारी के तहत कम से कम आवाम को चाहिए कि अपनी हिफाजत से जो है ना हिफाजत से गाड़ी चलाए। इन ड्राइवरों के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, पीछे से कोई अगर हॉर्न देता है तो आप लोग बाजू हो जाइए, परवाह नहीं कि या क्या है, नशे में रहते हैं लोग ये या। वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इरफान है, मैं खलील भाई का दोस्त हूँ, उनका पड़ोसी हूँ। ये गांव से उनके ससुराल से ले आ रहे थे, निज़ामबाद से आ रहे थे, उनके बच्चे को वो ड्राइवर वहाँ बस स्टॉप है तो यहीं पे रुका दिया, यहीं पे उतरो बोल रहा, नहीं रुका तो वहाँ बोले तुम उतरने गए जल्दी से, क्या करा सडन ले लिया आगे, थोड़ा टायरों से घिसड़ लेते जा रहा हूँ, उनके वाली साहब आवाज़ भी दे रहे तो रुक रहा नहीं। अब पुलिस वालों को पूछे तो उन्होंने बोल रहे कस्टडी में, ड्राइवर कस्टडी में बोल रहे, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, शो नहीं दे रहे, ड्राइवर कुछ शो भी नहीं कर रहे, पुलिस वालों को बोले तो कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहे, खाली दौखने को लिख जाओ बोल रहे। गवर्नमेंट से अपील है इंसाफ होना हुकूमत से। पता नहीं क्यों ज्यादा ड्यूटी का जो बार है, क्या उस नींद के गुनूदगी में रहते हैं, पता नहीं क्या है, एक 3 साल बच्चे की मौत वाक़ई हो गई, दिल खराश वाक़ा है। खैर हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह सब्र जमील उन माँ बाप को अता करे परवरदिगार। और हर किसी को ऐसे हादसात से बचाए और ऐसे दिलखराश वाक़े से बचाए। आइए देखते हैं हमारे रिपोर्टर कामरान लतीफ़ अंसारी की ये रिपोर्ट। आ रहे थे लगा पूरा यहाँ के स्टॉप था, उनका रोकने स्टॉप यहाँ था भी नहीं लगा, आगे स्टॉप है लगा निजामबाद का, तो क्या करे इधर रोक दिया, रोकते था बैग होगा पूरे टोटली पूरा भैर निकाल दिया, खाली बच्चा ऐसा फुटबॉल में ऐसा था जड़ बल के ऐसा हल्लू खींचते था, गाड़ी जो सामने के डर में से चढ़ी पूरा पीछे का डर था, पूरा भेजे पूरा लग लेते यार बच्चे का। वो आप कौन है भाई? बच्चे के? मैं बच्चे का वाली साहब हूँ। तो गाड़ी को रोके फिर आओ, गाड़ी वहाँ है, पुलिस ड्राइवर कहाँ है भाई, भाग गया है? ड्राइवर है, पुलिस वाले पकड़े बुलेट जी। तो अब आप क्या चाह रहे हैं गवर्नमेंट से भाई? इंसाफ चाह रहे हैं जी। हमारे बच्चे यहाँ ऑलरेडी, उनका स्टाफ भी नहीं है यहाँ रोकने का, उन लोगों का स्टाफ में आ गया, यहाँ रोके रोकने की जरूरत भी नहीं है, बैग ऐसा निकाल के दे रहे, जड़ बोल के गाड़ी चले आ रहे, पूरे एक गाड़ी ने पूरे गाड़ी में वही चल रहे यहाँ।
बहुत लापरवाही हो रही है। कितने साल का बच्चा था सब? दो या तीन साल का बच्चा था। क्या नाम है सब बच्चे? मोहम्मद आहद जी।